नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट हब में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार एक सब्जेक्ट, मेष राशि कैसे बनेगी लक्ष्मीवान। देखो, मेष राशि वाले भाई बहन हैं जो बहुत ही संघर्ष ज़्यादातर लोगों ने किया है, उनका एक ही प्रश्न है कि भाई अभी हमारे पास कैसे पैसे रहेंगे, कैसे पैसे आएंगे, कोई जैसी रेमेडीज़ है क्या, इसमें उसमें कुछ उपाय है ऐसे जिसके हिसाब से हम थोड़ा अपना आने वाला कल संवार सकते, अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। तो इनके लिए पंडित जी प्लीज़ हमें थोड़ा कुछ बताइए हमारी राशि के बारे में, क्या उसमें हो सकता है, कौन से ऐसे रेमेडीज़, कौन से ऐसे उपाय है जिसकी वजह से हम भी थोड़ा अपने किस्मत को, थोड़ी डेस्टिनी को संवार सकते हैं। ये एक कुंडली है जो हमें भेजी गई है अपने वाराणसी यूपी से, और ये जो महाशय है उनका बहुत लंबे टाइम से भाग्य भी नहीं चमका है और पढ़ाई अच्छी की है इन्होंने, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं जॉब स्टेबल नहीं हो रही है। इनकी जो स्टॉप जॉब है वो स्टेबल हो ही नहीं रही है, वो खाली 6 महीना एक जगह पे काम करते हैं और 7वें महीने उनकी नौकरी वहाँ से छूट जाती है। तो ऐसे कौन से प्लैनेट है, ऐसे कौन सी इनकी कुंडली में राशि चक्र से बात करेंगे, तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए मेष राशि वाले के कि इनका ज़्यादातर किस्मत संवर सकता है, इनकी जो भी मुश्किली है वो हल हो सकती है। यहाँ मैंने मेष राशि की कुंडली ड्रॉ की है। फर्स्ट हाउस में चंद्र और केतु है और गुरु उनके साथ विराजमान है, और थर्ड हाउस में शुक्र मिथुन राशि के, फोर्थ हाउस में सूर्य, बुध और शनि और राहु और मंगल साथ में। देखो, सबसे पहले मेष राशि वाले को क्या करना चाहिए कि मेष राशि में लग्नेश मंगल होता है और भाग्येश गुरु होता है और सूर्य इनका होता है पंचम स्थान का स्वामी, और केंद्र का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि, चंद्र और शुक्र। ये तीनों को बराबर से देखना पड़ता है, चंद्र को कहाँ देखे हैं, शुक्र कहाँ बैठा है इनका और शनि कहाँ बैठा है। तो इनके हिसाब से देखा जाएगा, मेष राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं उनको सबसे पहले गुरु को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु की पोजीशन देखनी पड़ेगी। गुरु कैसा है, किस हाल में है, किसके साथ बैठा है, या गुरु कौन से हाउस का स्वामी होता है मेष राशि में, वो भाग्य स्थान का स्वामी होके इनकी कुंडली में खुद केतु के साथ बैठा हुआ है, जो एक सबसे ख़राब दुर्योग है, चंडाल योग का माना गया है। गुरु कभी भी केतु के साथ बैठेगा तो गुरु की जो क्षमता है काम करने की, गुरु की जो पावर्स है वो ख़त्म हो जाती है। इनके लिए इनकी कुंडली में ज़्यादा संघर्ष का योग बन जाता है। तो मेष राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं उनको सबसे पहले गुरु को स्ट्रांग करना चाहिए और मंगल को स्ट्रांग करना चाहिए। इनकी कुंडली में मंगल भी वापस डैमेज है क्योंकि वो राहु के साथ बैठा है। दोनों जो मेन प्लैनेट हैं इनके वो बैठ गए दोनों पाप ग्रह के साथ, एक केतु के साथ बैठ गए भाग्य स्थान का स्वामी और लग्नेश बैठ गए राहु के साथ। इनको आज तक इनकी शादी नहीं हुई है, 42 की इनकी एज है, लेकिन शादी के लिए अभी भी वो ऐसे तैसे घूम रहे हैं, इसलिए कुंडली में इन्होंने कभी पहले दिखाया नहीं। आज इन्होंने इन हमसे संपर्क किया है और वो जानना चाहते हैं कि क्या है, इसलिए मेष राशि वाले भाई बहन हैं उनको गुरु को स्ट्रांग करना चाहिए, मंगल को स्ट्रांग करना चाहिए और ख़ास करके सूर्य को भी स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों त्रिकोण के स्वामी हैं इनकी कुंडली में। राशि चक्र को पहले रखना पड़ता है, लग्न जितना इम्पोर्टेंट है इतना राशि भी इम्पोर्टेंस देती है, इसलिए मेष राशि वाले भाई बहनों को ये तीनों प्लैनेट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और बारीकाई से अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कहाँ फॉल्ट है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ हमारी कुंडली डैमेज है, तो आप आने वाला कर आपका संवार सकते हो। और ऐसे कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।